हेलो नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एवरीबॉडी. मेरा नाम है हिमानी एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग. और यहाँ पर हम जा रहे हैं हमारे हनीमून के लिए टू इजिप्ट. और हमारी फ्लाइट है अहमदाबाद से कायरो की, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है. तो पहली फ्लाइट होगी अहमदाबाद से आबू धाबी, देन आबू धाबी में है 3 घंटे का लेओवर और हम पहुँचेंगे आबू धाबी से कायरो. तो ये है अहमदाबाद का लाउंज, बिजनेस क्लास लाउंज, जहाँ पर कुछ खास नहीं था, मतलब इट वाज प्रिटी ओकेश. और चलो चलते. हे एवरीबॉडी, सो फाइनली हम सारा चेक इन और सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन सब करके गेट के पास आ गए हैं. इट्स 4:30 राइट नाउ एंड गेट इज़ अबाउट टू ओपन. एंड या आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ लाइक फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग प्रॉपर बिजनेस क्लास एंड वी आर टुगेदर ट्रैवलिंग. हाउ एक्साइटेड आर यू? आई एम वेरी एक्साइटेड दैट दिस इज़ अ बिजनेस क्लास ट्रैवल. और ऐसे पहली बार भी हम लोग जब गए थे तो बिजनेस क्लास ही था, और दूसरी बार जब हम जा रहे हैं तब भी बिजनेस क्लास है, बट ये थोड़ा एतिहाद बिजनेस क्लास. तो ऐसे अभी से लग रहा है ऐसा राजा जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है उदयपुर के महाराज एकदम हाथी पे बैठ के, अभी वो वाली फीलिंग आ रही है. ये थोड़ा एग्जैजरेट ज़्यादा ही कर लेता है. बाय द वे आई एम गोइंग टू गिव यू लाइक द फुल टूर और सब कुछ दिखाऊंगी बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड. लेना है ना हमको जो चीज़ लेनी है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. हम दोनों पड़ोसी हैं. हाय हाय पड़ोसी. हेलो हाय. हमारे पड़ोस में जरा ढंग से रहना, इज्जत से. हाँ, थोड़ा ऐसे एकदम घूमत करना, ये भी दे दो वो भी दे दो वो भी दे, सब इकट्ठा कर लिया यहाँ पे. Could you please hold the camera so that I can show people that what this seat looks like exactly? Yes. I can show, right? The bathroom and private business class seat. अभी हमने एक्चुअली विंडो सीट चेंज दोनों की, तो हमने ऐसे ली है. अब ये सीट पूरी की पूरी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाती हूँ. सो यार सबसे पहले यहाँ पर वाटर बॉटल एंड ऑल दैट यहाँ पर है इसके अंदर. एंड देन अच्छा सीट बेल्ट विंडो है, इस तरफ से सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं. थैंक यू. ये वापस देना है ग्लास, ले मत जाना. ये है रिमोट, इससे आई कैन कंट्रोल द स्क्रीन. दीज आर द हेडसेट्स. ओके एवरीबॉडी, सो ये है मेरी सीट. और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि इतना लेग स्पेस है और दो दो विंडो है. अभी हमें मेन्यू मिला है, तो इस मेन्यू में लेट्स सी क्या क्या है. व्हाट विल ऑर्डर? ये तो ड्रिंक मेन्यू है. बेवरेजेस में देख रहे हो आप क्या क्या है. ओ माय गॉड, स्पार्कलिंग वाटर, स्टिल वाटर, ऑरेंज जूस एंड एप्पल जूस, मैंगो जूस, टमेटो जूस. ओके, बट मैं तो कॉफ़ी बोलने वाली हूँ. यू नो दैट गाइस, मुझे कॉफ़ी से कितना प्यार है. मसाला डोसा, ओह माय गॉड, आई हैव मसाला डोसा. देन साथ में लिखा है इसमें वड़ा, रवा, पूड़ी, इडली, सांभर, कोकोनट चटनी. लेट्स सी क्या लेके आते हैं इसके साथ साथ. सो वाओ, दैट्स ग्रेट. हेलो, वेलकम अबोर्ड. थैंक यू. Thank you.
जैसे ही आप फ्लाइट बोर्ड करते हो वो आपको ड्रिंक के साथ कुछ ड्राई फ्रूट सर्व करते हैं और उसके बाद आप आराम से सेटल हो जाओ। मैंने कॉफ़ी विद करण लगाया, पुराना वाला कोई सीज़न, और उसके बाद थोड़ी देर में हमारा मील सर्व हो गया क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम था, लाइक रात की फ़्लाइट थी, सुबह के 4:30 बज रहे थे। तो उन्होंने ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट सर्व किया जिसमें कि ऑप्शन में था डोसा, इडली या फिर ऑमलेट कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। तो आई ऑप्टेड फॉर डोसा, इडली एंड वड़ा। उसके साथ थे थोड़े से फ्रूट, ब्रेड और फ्रेश ब्रेड्स थी, साथ में थोड़ा सा पुडिंग था और बटर था और कॉफ़ी या ये सब ऑप्शन में था, जो कि मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे खा के ऐसा लग रहा था मैं सो जाऊं थोड़ी देर, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर ट्रैवलिंग बिजनेस क्लास और आप जब तक सीट को रिक्लाइन करके लंबे हो के आराम से नींद ना लो तब तक क्या मतलब बिजनेस क्लास ट्रैवल करने का, राइट? तो मैंने वही किया, सब कुछ सेट किया, लाइट सारी ऑफ करी और बंद किया अपना सामने का टीवी स्क्रीन, और उसके बाद बस मैंने सीट को रिक्लाइन करके, उन्होंने साथ में ब्लैंकेट दिया था बहुत ही कोजी सा, वो ओढ़ के आई मास्क लगा के मैं मस्त तो सो गई 2 घंटे के लिए। One eternity later. Okay everybody, so this is the toilet in business class and I just woke up. बहुत ही अच्छी नींद हो गई यार, ऐसा लगा ही नहीं कि फ्लाइट में सो रही हूँ। आई मीन पहली बार ही I traveled इन बिजनेस क्लास एंड क्या नींद आई है, आई मीन क्या नींद आई है। सॉरी फॉर दिस ओवर एक्साइटिंग फेस, बट या दिस इज द टॉयलेट, प्रीटी दिस ह्यूज। इसमें आई थिंक हैंड वॉश और सैनिटाइजर है, लोशन भी है, और दिस इज अ टैप, टिशू, वाइप्स एंड यहाँ पर डस्टबिन है, सैनिटरी पैड, and there is huge ass mirror, check yourself out, and ye baby ko feed karane ke liye if you want, ke paas bachcha hai, and sabse important there's a window, matlab poop karte karte you can just see the beautiful view, sunrise ho raha hai, maze bahut maze। यहाँ पे 3 घंटे का ले ओवर है, उसके बाद वी हैव अ फ्लाइट टू इजिप्ट कायरो, या सो अभी हम लाउंज जा रहे हैं, राइट? यस, क्योंकि कुछ हमने सोचा था थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करेंगे बट वो हो नहीं पाएगी क्योंकि कुछ ज़्यादा इन लोगों के पास सब कुछ सस्ता सस्ता है, और हम लोगों को हमने सोचा कि हमारी मूड में दोनों हाथों से पैसा खर्च करेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, और हम इतना सस्ता लेना नहीं चाह रहे इसलिए हमने दोनों हाथों से तो नहीं करना है, हमने शादी में कर लिया। बाय द वे गाइस, सो लाउंज ट्रिप चल के बैठेंगे फिर आपसे बात करते हैं। काफी रश है यहाँ के एयरपोर्ट में ना, सुबह सुबह एकदम ऐसा लग रहा है लोग सब ट्रैवल ही कर रहे हैं। सस्ता है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ सस्ता इतना है, पूरी दुनिया ट्रैवल ही कर रही है ऐसा लग रहा है। सस्ता बहुत है यहाँ पे सब कुछ, वो समस्या है। चल और बस हम पहुंच गए एहतियात के बिजनेस क्लास लाउंज में। अगर आप एहतियात से ट्रैवल कर रहे हैं और आप बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट लाउंजेस इन द वर्ल्ड आता है अबू धाबी का लाउंज, और इतना ह्यूज था, मतलब पहले तो हम देखते ही रह गए कि कहाँ बैठे, मतलब बैठे कहाँ हमको समझ नहीं आ रहा था। एंड लिटरली सारे ऑलमोस्ट
70% सब कुछ ऑक्यूपाइड था, बट हमने फाइनली ढूंढ ली एक जगह और फिर मैं तुरंत गई वॉशरूम की तरफ जहाँ पर आप शावर भी ले सकते हो. देयर इज अ ह्यूज शावर रूम जहाँ सब कुछ अमेनिटीज होटल के जैसे अवेलेबल होती है और आप शावर ले सकते हो आराम से. वो मैंने नहीं लिया, मैंने सिर्फ ब्रश किया, फ्रेश हो गई मैं और उसके बाद हम दोनों ने बैठ के आराम से, इतना ह्यूज बुफे था उसमें से ब्रेकफास्ट लिया और हमने मस्त ब्रेकफास्ट किया, कॉफ़ी पी और हाँ जी कुछ इस तरीके से हमने स्पेंड किया लाउंज में अपना टाइम, जो कि 3 घंटे का ही था तो टाइम कैसे निकल गया पता नहीं चला. और उसके बाद हम एयरबस में बैठ के फिर निकल पड़े अपनी सेकेंड फ्लाइट के लिए. Required to evacuate the aircraft, leave all of your belongings behind and follow the cabin crew's instructions. في حالة الطوارئ، أرضية الممرات المضاءة سترشدكم إلى المخارج. تعليمات فتح تلك المخارج. अब शगुन हुआ है, अब हमारी ट्रिप शुरू होगी भाई साहब, क्योंकि अब जो है हमारे फ्लाइट में बच्चा है. समझ रहे हो ना, आप लोगों को अगर जानते हो, ट्रैवल करते हो तो आप लोग जानते होंगे कि फ्लाइट, बस, ट्रेन, जब भी जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हो, एक वो और एक बच्चों का रोना, दोनों आपस में मतलब इतने एकदम जुड़े हुए हैं, उसके बिना काम चल ही नहीं सकता. तो जी हमारी सेकेंड लेग ऑफ द जर्नी स्टार्ट हो गई है आबू धाबी से कायरो के लिए. हमने बोर्ड कर ली फ्लाइट, उसके बाद सारी अमेनिटीज सब कुछ सेम था, ब्लैंकेट था, पिलो था, सीट्स वर कंफर्टेबल, बट द एयरक्राफ्ट वाज लिटिल ओल्डर और ये छोटा एयरक्राफ्ट है. एंड मोमेंट पे इन्होंने चेंज किया, मे बी बिकॉज ऑफ द पैसेंजर्स की कमी, लाइक इतने पैसेंजर्स नहीं होंगे तो इन्होंने लास्ट टाइम पे एयरक्राफ्ट चेंज किया. उसका अपडेट भी आया था विच वॉज फाइन, बट सर्विसेज में बिल्कुल कोई कमी नहीं थी. सबसे पहले ड्रिंक सर्व किया एंड 4-course meal जो कि हमें नहीं खाना था, बट एयर होस्टेस वॉज सो स्वीट, शी इंसिस्टेड एंड वी वर लाइक ओके चलो हम एक में शेयर कर लेंगे. तो फर्स्ट कोर्स में थोड़ा सैलड था, देन सेकेंड में ये पूरा प्रॉपर मील था. हमने एक कोर्स तो फिर भी हमने स्किप किया, देन लास्ट में डिज़र्ट में उन्होंने थोड़े से फ्रूट्स दिए, केक के लिए हमने मना कर दिया और आराम से एक सीरीज़, एक्चुअली एक मूवी थी कोई, वो देखते देखते मैंने इन्जॉय किया हम दोनों ने. और उसके बाद बस हम लैंड कर गए कायरो में और ऊपर से सिटी तो काफ़ी बड़ी दिख रही है. हम दोनों ऐसे टेंशन में आ गए थे कि इतनी बड़ी सिटी है बट रोड में कोई दिख नहीं रहा है, क्यों भाई? तो चलो चल के पता करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ये ब्यूटिफुल कंट्री. I'm gonna be here.